Hello, my all dear friends. I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome to our free education channel, English Master. Dear friends, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक. इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा है टेस्ट ऑफ द फूड्स, यानी कि खाने के जितने भी स्वाद होते हैं उसके जो भी वर्ड्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ द फूड, वो सारे हमने इससे पहले के लेक्चर्स में कवर अप किए हैं. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा. एंड मस्ट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर. वे टू से हरी अप. हरी अप यानी क्या? जल्दी करो. अगर हमें जल्दी निकलना है तो हम बोलते हैं जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी चलना है. इसके लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हैं? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक सेंटेंसेस पता होने चाहिए. सो देखिए स्क्रीन के ऊपर है, आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, यानी कि मैं जल्दी में हूँ. देखिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी में हूँ यह कहने के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम. ओके, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई एम इन हरी, यानी कि मैं जल्दी में हूँ. देखिए पहला सेंटेंस हमने पढ़ा, आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, और अब ये दूसरा सेंटेंस है, आई एम इन हरी, तो इसका मतलब है मैं जल्दी में हूँ. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, आई एम इन रश, यानी कि मैं जल्दी में हूँ. मैं जल्दी में हूँ इसके यह जो सेंटेंस है ये इंग्लिश में कहने के लिए देर आर दिस थ्री सेंटेंसेस जो अभी हमने पढ़े. द फर्स्ट वन इज आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, सेकेंड वन इज आई एम इन अ हरी, थर्ड वन इज आई एम इन अ रश. ओके फ्रेंड, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, इसका मीनिंग है मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, या फिर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती. यह सेंटेंस है आई कांट वेट एनी लॉन्गर. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी कि मैं समय से बाहर चल रहा हूँ, या फिर मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है. यह कहने के लिए यह सेंटेंस है आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, यानी कि मेरे पास समय की कमी है, तो आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम या फिर आई हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, इस तरह से आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे कि अब और समय नहीं बचा है, इसके लिए क्या सेंटेंस यूज करेंगे आप? द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, इसका मतलब है अब और समय नहीं बचा है. एंड फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, यह कहने के लिए सेंटेंस क्या है? लेट्स गेट गोइंग या फिर लेट अस गेट गोइंग. लेट्स गेट गोइंग यानी कि चलिए चलते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए आज के सेंटेंस में हमने पढ़े देर आर सो मेनी वेज टू से हरी अप. हरी अप कहने के लिए इंग्लिश में जो जो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं वो हमने कवर अप किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू से काम डाउन इन अ डिफरेंट वे. ओके, काम डाउन यानी कि शांत हो जाओ, चिल हो जाओ, अपना दिमाग शांत रखिए. यह कहने के लिए देर आर सो मेनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे. सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने किया ही होगा. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आर इंग्लिश मास्टर चैनल. इसी तरह से हमारे चैनल को आपका प्यार मिलता रहे. जल्द ही मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.